हमारे साथ राज्य मंत्री और अभी मौजूदा विधायक बदायूं से महेश चंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि वोट दे करके सुबह सुबह सबसे पहले आ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप सुबह 7 बजे ही शुरू होती वोटिंग आप यहाँ पे आए, उत्साह भी काफी है और आप आश्वस्त भी काफी लग रहे हैं। मैं समय का पाबंद हूँ, चूंकि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में हमारे में जो सिखाया जाता है अनुशासन, समय का पालन, उस पालन के हिसाब से मैं समय पर आ गया। और उत्साह इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा है, क्योंकि हर एक की अलग अलग भावनाएं होती है। समाजवादी पार्टी की आत्मा अखिलेश और मुलायम जी है, बहुजन समाजवादी पार्टी की आत्मा बहन जी मायावती है। सर, एक बात मैं जानना चाहती हूँ, लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और विकास नगर का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जनता इस मुद्दे पर कहीं आपसे बिछड़ न जाए, छूट न जाए? विकास, जब हम बरेली की तरफ से उधर से घुसते थे तो नवादा चौराहे बोला जाता है, आज वो चौराहा सरदार भगत सिंह के नाम से बोला जाता है। इतने अच्छे सरदार भगत सिंह का चौक बनाया है वहाँ पर, उससे आगे चलते हैं तो मिशन या सिविल लाइन बोला जाता था, आज वो चौराहा इतना अच्छा है भामाशाह नाम से वो चौराहे बोला जाता है। पहले लावेला चौक बोला जाता है, आज भगवान परशुराम चौक के नाम से बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक है, महाराणा प्रताप चौक है, हमारी रानी लक्ष्मीबाई चौक है और रानी अवंतीबाई लोधी चौक है। इतना इतना सब हुआ है, सिविल लाइन स्वीकृत हुई है, मैं कह सकता हूँ हमारे शहर को बहुत कुछ मिला है, तो सब आश्वस्त है और बहुत अच्छा है। एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है यहाँ का बदायूं का, कि हर बार जनता आमतौर पर चेंज कर देती है, विधायक बदल देती है, और साथ ही साथ इस समय सपा जो गठबंधन की जिस तरह से हवा चल रही है और तमाम मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है जनता आपको क्यों वोट देगी ऐसे वक्त? जब मैंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद 2017 में 1 से 15 बदायूं विधानसभा को मैंने माँ मान लिया और माँ की तरह सेवा की, मैं कथनी करनी में अंतर न करते हुए जब मैंने उस हिसाब से सेवा की, और फिर मेरा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो मैंने बगैर भेदभाव के सबके साथ अच्छा किया, जो भी अच्छा कर सकता था वो किया। तो जनता के अंदर वो भाव है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य है, हमारे देश में मोदी जी का कार्य है, सब इकट्ठे होते हुए, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि बहुत अच्छी हमारी जीत होगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना मौजूदा विधायक महेश चंद्र गुप्ता को, जो कि कह रहे हैं कि उन्होंने बदायूं से जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया उसी वक्त उन्होंने इस जिले को मां मान लिया और यही कारण है कि उन्होंने इतना विकास किया है कि जनता उन्हें विकास के मुद्दों पर वोट देगी, क्योंकि यहाँ की अगर जनता की हम बात करें तो सबसे बड़े मुद्दे विकास है, बेरोजगारी है, लोगों का कहना है, पलायन भी एक मुद्दा है। तो ऐसे में विधायक जी का कहना है कि ये सारे जो मुद्दे हैं उन पर हमने काम किया है, विकास किया और जनता उन्हें ही वोट देगी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़ बदायूं।